Yes, good morning students. You are watching the video of class 2 maths chapter number 1 three digit number. मतलब एक ऐसा number जिसमें three digits हों, वो क्या होगा आपका three digit number. तो हम इसको कैसे read करेंगे, देखो ones, tens, hundred. तो हम इसको क्या लिखेंगे, 400 words में लिखना है. इसका मतलब ये देखो इस तरह से लिखना है 486. नेक्स्ट आपको न्यूमरल में लिखना है. अब हमें वर्ड्स में दिया हुआ है और नंबर्स में लिखना है, तो लिखेंगे 375. तो पहले 300 है तो 3 लिख लिया, फिर 75 कैसे लिखते हैं, 7575. नेक्स्ट फिलअप्स, तो फिलअप्स कैसे करने हैं, बस आपको ये 346 लिखा हुआ है तो हंड्रेड्स के साथ क्या लिख देंगे, 3. इसमें क्या है, 300s. फिर टेंस पे क्या लिख देंगे, ये जैसे ओ वंस टेंस हंड्रेड. अब हंड्रेड्स के साथ 3 लिख दो, टेंस के साथ 4 लिख दो और वंस के साथ 6 लिख दो. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू कैसे लिखते हैं, जैसे हमने आपको भी बताया वंस टेंस हंड्रेड, तो जो वंस होता है उसकी प्लेस वैल्यू एज इट इज, जो नंबर है जैसे 0 है तो 0 की प्लेस वैल्यू 0, अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 की प्लेस वैल्यू 2 लिखते. फिर 6, अब मैं इसकी प्लेस वैल्यू लिखना है तो जो टेंस प्लेस पर है उसकी प्लेस वैल्यू क्या लिखेंगे, 60. फिर नेक्स्ट 100, 100 प्लेस पे है 5, तो 5 की प्लेस वैल्यू, 5 के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 20 आ जाएगी. जिस नंबर के बाद जितनी डिजिट्स होती हैं उतनी जीरोज लगा दो, बस प्लेस वैल्यू राइट कर सकते हैं. सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर, तो सबसे पहले हमें इसमें डिजिट काउंट करेंगे. 3 नंबर्स हैं सब में, ये है 1, सबसे पहले फर्स्ट डिजिट चेक करेंगे, 1 है, यहाँ पे 2 है, नेक्स्ट में यहाँ पे भी 2 है, ठीक है. तो बड़ी कौन सी होगी, 1 वाली बड़ी होगी या 2 वाली, 2 वाली. अब दोनों 2 वाली हैं, दोनों में से कौन सी बड़ी होगी, आगे वाला नंबर चेक करेंगे. अब इसके आगे कौन सा नंबर है, 4 है और इसके आगे 7 है, तो 4 ग्रेटर होता है या 7, 7, 7 नंबर क्या होता है, ग्रेटर नंबर होता है, बड़ा नंबर होता है, तो हमने क्या कर दिया इसको सर्कल. ऐसे नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर को करना है, तो स्मॉलेस्ट पहले वही, सबसे पहले फर्स्ट डिजिट चेक करेंगे, तो यहाँ 7 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो स्मॉलेस्ट 7 है या 1 स्मॉलर है, तो अब इन दोनों में से कौन सी स्मॉलर, दोनों में ही 1 है. फिर उससे आगे वाला नंबर चेक करेंगे, 3 है, यहाँ पे 7, तो स्मॉलेस्ट कौन सी होगी, 139. अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो ये असेंडिंग ऑर्डर होता है. डिसेंडिंग में सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, तो पहले 9 है, 8 है, 5 है, तो सबसे पहले सबसे छोटा क्या होता है, आपको पता है 5 छोटा होता है, फिर उससे बड़ा 8 होता है, फिर उससे बड़ा 9 होता है. ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा 9, 8 और 5 में से सबसे बड़ा कौन सा है, 9 वाला, फिर 8 वाला और फिर 5 वाला. ऐसे हमें ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है, तो ग्रेटेस्ट में सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, 9, 3, 5 में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 9, फिर 5, फिर 3. ऐसे स्मॉलेस्ट लिखना है तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा. अंडरस्टैंड, जब भी हमें ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है तो तीनों डिजिट्स में सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा. और स्मॉलेस्ट लिखना तो पहले सबसे छोटा, इन सब में सबसे छोटा 3 है, फिर 5 है, फिर 9 है. थैंक यू, काइंडली सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल गुरु रामदास कॉन्वेंट स्कूल फॉर ऑल अपडेट्स. थैंक यू.